देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। सहारनपुर में एसडी इंटर कॉलेज में स्कूली छात्र छात्राओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं में 30 नवंबर 2017 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें आज एसडी इंटर कॉलेज में जनपदीय स्तर की इस प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी पी के पांडे ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं, उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ, उनको भी मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। रवि सनत राजेंद्र कुमार, राजकीय हाई स्कूल सफदलपुर, ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। कुमारी विशी धीमान, सनाब श्री संजीव धीमान, जेबीएस हिंदू कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर, इन्होंने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। तृतीय पुरस्कार राव सरफुद्दीन, सनाब राव बाबर, SAM इंटर कॉलेज सहारनपुर, इनको तृतीय पुरस्कार मिला है। इनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, शुभकामनाएं। बच्चों में स्कूली छात्र छात्राओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके पूर्व में नवंबर दिसंबर में हम लोगों ने सभी स्कूलों में एक निबंध प्रतियोगिता कराई गई थी। उस प्रतियोगिता में जो जिन बच्चों ने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, उनमें उन छात्रों में से बिना प्रथम द्वितीय छात्रों का चयन का चुनाव किया जाना था प्रतियोगिता के आधार पर, और उनको एक इस देश को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 21,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15,100 और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। सर, आमजन को हमारी तरफ से यही संदेश है कि सब लोग अवगत हैं कि सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति हमारे प्रदेश में भयावह होती जा रही है। जितनी सामान्य मृत्युएँ होती हैं उससे कहीं जाओ करीब करीब आंकड़ा हमारा सड़क दुर्घटना का उतना हो गया। हम सब लोग जिम्मेदारी का पालन करें, सड़क सुरक्षा के जो सामान्य नियम हैं उनका पालन करें और अपने आसपास के लोगों से भी पालन कराने का आग्रह करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जिला संवाददाता अंकुश सैनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।